ঘরে তো পারফর্ম দেখবো জয় খাবল হব লাগে। शेरू आ बेटा आजा आजा, भाई आने के लिए बहुत नखरे करता है, आजा ले आजा 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 आजा। हाँ अब क्यों आ रहा, अब क्यों आ रहा, अब क्यों आ रहा है, अब समझ गया तो अब आया है, अब अरे ऐसे गुस्सा के साथ चिड़िया को दूंगा मैं, ले ले चिड़िया को देखो छोटी सी ले। वाह तो बड़े होते हैं कदम ये हम। वैसे आज का मौसम देख के लग रहा है कि मुझे आज ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रखा और इस समय लगभग 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपने खेत में पानी तलाई करने के लिए बिजोड़ा में, और ये है मेरे साथ फोड़ा, ठीक है, इसका बहुत काम आएगा। तो लगभग मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है पानी लगाने के लिए खेतों में, तो पहले जाना पड़ेगा, अगर पहले जाऊंगा तो पहले घर पे आऊंगा, अगर थोड़ा लेट हो गई और लोग अगर ज़्यादा होंगे नीचे पे तो काफ़ी दिक्कत होगी मुझे फिर बाद में घर आने में, तब मुझे टाइम लगेगा आने में, क्योंकि जो पहले गया है वहाँ पर वो लगाएगा पानी, उसके बाद मैं लगाऊंगा जो उसके बाद गया है। चलो दिखाते हैं फिर आगे। तो सब कैसे हो, बढ़िया, सब अच्छे ही रहना, और दिखाते हैं आज का ब्लॉग। तो देख रहे हो आप, मैं काफ़ी मॉर्निंग टाइम पे आ गया था तो लगभग अंधेरा सा हो गया और मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा है उस साइड, देखो आप, ठीक है, और काफ़ी लोग भी आ रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ खेतों में, कोई हल लगाने के लिए आ रखा है, उस साइड हल लगा रहे हैं लोग, इस साइड पानी लगा रहे हैं लोग। बिजोड़ा जो रुपाई के टाइम पर काम आता है, रुपाई से होती है खेतों में, और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, लगभग 1 महीने बाद यहाँ पर रुपाई होगी, तो लगभग काफ़ी बड़े हो गए होंगे, तो मुझे इसकी तराई करनी है आज, और मुझे पानी लेने जाना पड़ेगा यहाँ, पानी लेने गांव में, यहाँ पानी लेने जाना पड़ता है काफ़ी दूर तक, ठीक है, तो लेने चलते हैं पानी को, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे नहर। तो मुझे इस नहर से पानी लेके नहीं आना है, मुझे जाना है उस वाले उस साइड, और वहाँ एक और नहर है और वहाँ से पानी लेके आना है। देख रहे हैं आप नहर पूरी सूखी हुई है, पानी तो है ही नहर में, तो मुझे ऊपर से पानी लगाना पड़ेगा अपने खेतों की तरफ, अगर मुझे तलाई करनी है खेत की। तो बड़ी नहर, ठीक है, उधर नीचे थी छोटी नहर, तो ये यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, एक इस साइड से पानी निकलता है, एक इस साइड से पानी निकलता है, तो यहाँ भी बहुत खेत है और नीचे ही बहुत खेत है, तो मुझे इस पत्थर को हटाना पड़ेगा यहाँ से और फिर पानी लेके आना पड़ेगा काफ़ी आगे से। चलो करते हैं फिर ये काम। तो भाई अपन का काम हो गया इस साइड और मैं जा रहा हूँ फिर आगे पानी लेने के लिए। अब तो देख रहे हो पूरी नहर सूखी हुई है पूरी नहर, तो मुझे काफ़ी आगे से पानी लेके आना पड़ेगा।
तो देख रहे हो भाई, यहाँ से नहर में पानी आ रहा है और ये पानी सारे नीचे जा रहा है। तो इस पानी का मुझे यहाँ इस साइड लगाना है इस नहर की। तो चलो करते फिर अपना काम स्टार्ट। भाई अपना काम हो गया, आपने इधर से नहर बंद कर दी सर, इधर का पानी बंद कर दिया और ये पानी जा रहा है नहर के ऊपर। भाई नहर पूरी सूखी हुई है, जो अपन ने जो पानी लगाया ना वो आ रहा है इधर से, देख रहा हो, जो खेतों में जाएगा पानी नहीं, देखो आ रहा है इधर, ये गया सीधा। तो हम चलते हैं फिर आगे। तो आगे काफ़ी काम है, आगे अगर कहीं पर टूटा होगा तो मुझे वो सही करना पड़ेगा, जो पानी मेरे खेत तक पहुंच सके। और उसके बाद खेत में तराई करने के बाद मैं ये पानी बंद कर दूंगा दोबारा, फिर दोबारा मुझे साइड आना पड़ेगा। तो काफ़ी काम होता है, पानी लगाना भी काफ़ी टफ काम है एक हिसाब से। तो लगभग अभी तक पानी नहीं आया, मुझे काफ़ी वेट करना पड़ेगा और काफ़ी जगह पे टूटा हुआ है और उसको सही भी करना पड़ेगा। हाथ देख रहे होंगे, हाथ कैसा होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर टूटा हुआ था, मैंने अभी ये सही किया और आगे चलते हैं, आगे कहाँ कहाँ टूटा हुआ, क्योंकि पानी आने में लगभग आधा घंटा लगेगा, पानी काफ़ी कम आ रहा है ऊपर से। सही है, खेत की तराई के साथ साथ काफ़ी जगह में हल भी लग रहा है अभी, ठीक है। तो अपने गांव के हैं सारे के सारे। तो पानी भाई यहाँ आ रहा है, देख रहा है, अभी यहाँ पहुँच रहा है, लगभग पानी को वहाँ नीचे पहुँचना है, उधर नीचे काफ़ी नीचे। हॉल लगा रहे हैं मुझे बैठे हैं ना, हाँ काम करो तू, अभी हॉल वाले हो ना, तो दादा दादी काम करो तो तुम याद दिया दे बैठे हैं ना मुंह, हाँ रे अभी तुम ना बाहर हो, चलो काम करा, चलो बोला काम कर, तू क्या नहीं करो काम, ये मैं तो मल गया, खाली खाना होगना मैं जाऊँ पर अरे तो पार पहुंच के खोज जो आई साबड़ हॉल लगा है। तो भाई काफ़ी जगह पे हल लग रहा है और काफ़ी जगह पे तराई भी हो रही है, लगभग तराई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तीन चार दिन से बारिश आ रही थी, इसलिए नहीं कर रहे अभी। ये
नहीं यहाँ से आएगा, ठीक है। अभी पूरी नहर सूखी हुई है, तो लगभग मैं पानी काफ़ी दूर से लेके आया हूँ, लगभग पानी मैं उधर से लेके आया हूँ, और लगभग एक घंटा हो चुका है भाई। और यहाँ पर हमारा वो है बिजोड़ा, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो वहाँ जाएगा, वहाँ लेके जाना है उसको पानी को। और काफ़ी टाइम लग रहा है पानी आने में, क्योंकि पानी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे टाइम इसलिए भी लग रहा है, और काफ़ी जगह पर टूटी हुई है जगह, तो लोगों के खेतों के रास्ते से आएगा पानी भाई। देख रहे ये नहर बनी हुई है, नहर के यहाँ मतलब बोलू बोलते हैं, बोलू इसको बोलते हैं, बोलू, इस रास्ते से आएगा। काफ़ी टाइम लग रहा है पानी आने में, काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हो अभी पूरी पूरा बोलू सूखा हुआ है, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। मुझे देखना पड़ेगा ऊपर जाके कहीं टूटा हुआ तो नहीं है दोबारा, क्योंकि काफ़ी बार टूट जाता है अपने आप ही पानी के आने से। काफ़ी टाइम हो गया भाई, और यहाँ पर पता नहर में पानी नहीं आ रहा, देख रहे हो आप यार, इतना पानी लगाने के बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है, पानी जा कहाँ रहा है फिर। आधा पानी तो यहाँ से निकल रहा है यार, पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है भाई, देख रहे हो आधा पानी, इस पानी को मुझे पूरा बंद करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक पानी मैंने बंद कर दिया है, देख लो काफ़ी हद तक पानी बंद हो गया है, और अब आगे देखते हैं आगे कहाँ कहाँ टूट रहा है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे कि हम पानी लगा रहे हैं अपने खेतों में, तो काफ़ी बार नहर टूट जाती है, मतलब नहर से पानी लीकेज होता है, तो उसे हमें ठीक करने जाना पड़ता है। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले लगभग आधे घंटे पहले पानी लगाया था, और पानी पता नहीं कहाँ से लीकेज कर रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है, तो वही देखने के लिए दोबारा जा रहा हूँ मैं जहाँ से मैंने पानी लगाया था। चलो फिर दिखाते हैं आपको, देख रहे हो अभी मैं पानी लगा के गया था, अभी किसी और ने तोड़ दिया पानी, नीचे साइड लगा दिया, तो मुझे फिर ये दोबारा सही करना पड़ेगा। वही मैंने लगा दिया दोबारा पानी। यहाँ काफ़ी बार हमारे गांव में पहाड़ में क्या होता है कि पानी के चक्कर में काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, तो कोई कहता मैं लगाऊंगा, कोई कहता मैं लगाऊंगा, तो इसलिए हम मॉर्निंग टाइम पे जल्दी आ जाते हैं। हाँ अगर यहाँ कोई सबसे पहले आता है तो वही पानी लगाता है अपने खेतों में,
फिर उसके बाद उसको लगाना पड़ता है जो उसके बाद आया है। तो यहाँ इस टाइप से काम होता है और इस टाइप से पानी पहुँचाया जाता है नहर के द्वारा। तो मैंने फिर पानी लगा दिया और तो यहाँ पर पानी काफ़ी बार टूट जाता है, अपने आप भी टूटता है, कभी कभी लोग भी तोड़ देते हैं अपने आप ही। अब किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो वो भी तोड़ देता है जिसको पता नहीं होगा जिस पानी लग रहा है। तो दिखाते हैं आगे। तो वही काफ़ी मेहनत करनी थी पानी लगाने में भी, खेतों में पानी लगाना भी काफ़ी मेहनत वाला काम है। मैंने लगभग यहाँ के 3 या 4 चक्कर मार दिए, काफ़ी दूर है। तो वही पानी अभी काफ़ी दूर है तो मुझे यहाँ से बोला निकालना पड़ेगा, एक नहर टाइप की निकालनी पड़ेगी कि जो मेरे यहाँ तक पहुँच सके, बिजली तक पहुँच सके। तो मुझे नहर बनानी पड़ेगी यहाँ से अब। तो चलो फिर नहर बनाते हैं थोड़ा, अब थोड़ा किया जाए थोड़ा काम। तो भाई मेरी बनकी नहर, अब बोला निकाले मैंने, अब पानी यहाँ से सीधा होके यहाँ जाएगा अंदर, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगी भाई। अब मैं जाता हूँ दोबारा पानी को देखने के लिए। तो भाई पानी लगा दिया मैंने, सब हो गया, मतलब बोला ही बंद कर दिया। अब मुझे सिर्फ करना वेट थोड़ा सा पानी का, कि पानी कितने टाइम बाद आएगा यहाँ पर खेत में, क्योंकि लगभग मुझे 2 घंटे हो गए पानी लगाए हुए और अभी तक पानी नहीं आया। तो काफ़ी जगह पर टूटा हुआ था और मैंने सही भी कर दिया। अब देखते हैं फिर पानी कब तक आता है, वेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि नहर तो बिल्कुल सूखी हुई है अभी। अभी भी नहर बनाई है मैंने, अभी भी मैंने बोला बनाया है भाई, बोला बोलते हैं इनको, और अभी पूरा सूखा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो भाई देख रहे हो पानी कितना कम आ रहा है। तो वहाँ से लगभग मैंने, जब उधर से मैंने पानी लगाया था, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा पानी। और ये पानी इसलिए कम हो गया क्योंकि काफ़ी जगह पे नहर में काफ़ी जगह पे लीकेज है, ठीक है, काफ़ी जगह पे टूटा हुआ है जिन्हें बंद नहीं किया सकते बिल्कुल, ठीक है। वो अंदर ही अंदर पानी लीकेज कर रहा है तो इसलिए वो बंद नहीं हो पाते। तो भाई इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में पानी आ ही गया। अब मुझे लगभग मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा जब पानी भर जाएगा खेत में, 2 घंटे के अंदर पानी भर जाएगा खेत में, और उसके बाद देखते और क्या सीन है। और ये आ गया पानी यार, पता है बहुत खुशी हो रही है कि भाई पानी आ ही गया आखिर में यार। काफ़ी लगा 2 घंटे से मैं इसका इंतज़ार करता पानी का, देख रहे पानी आ गया यार। और यही हमारा खेत है, ठीक है, और वहाँ पर वो बिजोड़ा है, उस पर जाना है पानी। अब देख लो वहाँ से मैंने कितना पानी लगाया था और यहाँ पर कितना पानी आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी आ रहा है, देख रहे हो आप, थोड़ा सा पानी। तो
खेत में पानी भर रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ बिल्कुल छाया में पेड़ के नीचे, और अच्छी हवा भी चल रही है उधर साइड, तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से देखो भाई वो रोड दिख रही है वो छू, मतलब मैं कितने दूर हूँ ना अपने खेत में, तो वो हमारा घर ऊपर साइड यहाँ से साफ दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा, और वो नई रोड बनी है हमारी गाँव के लिए, आजकल ही बनी है, लगभग 1-3-4 महीना हो रहा होगा इस रोड को बने हुए। कितना अच्छा लग रहा है ना, रहा क्या रस। तो मैं आ गया हूँ दोबारा अपने खेत की तरफ देखने के लिए कि पानी भर गया कि नहीं भरा है। तरफ आ गया मैं और देख रहे होंगे पानी काफ़ी स्लो जा रहा है, काफ़ी स्लो है ना, तो साफ़ कर लेता हूँ इसे, ये पानी पूरा जाए ढंग से। और अभी अभी तो भाई पूरा नहीं भरा खेत, लगा मुझे 1 घंटा और रुकना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके पानी पूरा होगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ दोबारा घर की तरफ, और खेत काफ़ी पीछे रह गया, तो अभी मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर बाद नाश्ता करके खाना खा के। तो आप ये लगा लो कि मैं लगभग 5 बजे आ गया था यहाँ, 4:30 या 5 बजे करीब आ गया था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और इस समय बज रहे हैं 11:30 हो गया, अभी भी पानी क्लियर नहीं भरा है, अब मुझे लग गई काफ़ी ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा भूख लग गई मुझे, और गला भी काफ़ी सूख रहा है क्योंकि मैं पानी लेके नहीं आता मेरे साथ। अब मैं जा रहा हूँ घर इस समय दोबारा, और पानी या नाश्ता करके आता हूँ, मतलब खाना खा के आता हूँ मॉर्निंग टाइम का, और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है भरने में। तो भाई मैंने नाश्ता कर लिया और मैं अब जा रहा हूँ दोबारा खेत की तरफ, और खेत में जाके देखते हैं पानी कितना भरा। चलो फिर चलो। तो भाई मैं आ गया दोबारा खेत में, और ये सारा पानी भर गया है खेतों में, मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि पानी भरा कि नहीं भरा अभी तक। तो भाई देख रहे हो पूरा पानी खेतों से भर गया भाई, ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया पूरा। अब इसको थोड़ा बंद करता हूँ यहाँ से, ये पानी अब पास ना हो, ठीक है, और सारे जितने बोले हैं सारे बंद करने पड़ेंगे मुझे। तो भाई सबसे पहले मुझे ये बंद करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से बंद करता हूँ इसको, पूरा पूरा बंद करता हूँ इसे यहाँ से, तो पानी बाहर ना निकले, जो पानी मैंने अंदर डाला है उसके बाद होगा जो। तो भाई मैंने सारा पानी पास कर दिया उस साइड, और मैं यहाँ का जो पानी है इसे करता हूँ बंद, ठीक है, ये पानी जा रहा है सीधा उस साइड, और मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरा खेत भर गया है तो मुझे पानी की ज़रूरत है नहीं अब, और ऊपर से करूँगा पानी बंद मैं अब। तो भाई मैंने कर दिया पानी पुनी सब बंद, क्योंकि मेरे खेत में पानी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, थोड़ा बैठते हैं ना। हाँ देखो यार, वहाँ नीचे गया था पानी लगाने के लिए मैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।